क्योंकि आप हिंदुस्तान के हालात से वाकिफ हैं
अभी जो जैसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं, लेकिन डर नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये परमेश्वर है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी आए, हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। तो मैं कोई निवेश देने नहीं आया आपको, पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा मैं तो बाइबिल अनुवाद में कर रहा था, अभी मैंने एक भाषा में, मगही भाषा, करीब 15 मिलियन लोग बोलते हैं उस भाषा में, हमने बाइबिल का अनुवाद किया फर्स्ट टाइम, और 20 साल लगे उसको न्यू टेस्टमेंट ट्रांसलेशन करने में, खुदा का शुक्र है उन लोगों के पास पहुंच गया, और अभी मैं हरिद्वार, ऋषिकेश और इन जगहों पे साधु लोगों के बीच में, क्योंकि उनके बीच में कोई जाना नहीं चाहता। मुझे भी लोगों ने धमकाया कि जाओगे तो मार देंगे, मैंने कहा देखो यार दुनिया में रहने कौन है, कोई याद नहीं तो कल सबको जाना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंगपति एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधेजन जी, जो भी आया है चाहे तुम चिकन तंदूरी खाओ या मलबे की रोटी खाओ, जाना तो पड़ेगा, यहाँ कोई रहने नहीं है, लेकिन कहाँ जाएंगे, इट्स नॉट हाउ लॉन्ग यू लीव बट फॉर हूम यू लीव, दैट्स व्हाट इट मैटर्स। और एक चीज प्रियो, कन्वेंशन तो होते रहते, मैं भी अभी 2 हफ्ते पहले एक बड़े कन्वेंशन में बोल के आया हूँ, करीब 30,000 लोग थे एक ट्राइबल एरिया में, जहाँ पे करीब 1500 पुलिस वाले आए थे कि कहीं कोई दंगा ना हो जाए, नंदूरबार एक महाराष्ट्र में जगह है, अभी हम वहां से बोल के ही आया हूँ। तो सबसे एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कन्वेंशन तो आते रहेंगे, यहाँ हमेशा हर सैटरडे को कोई ना कोई कन्वेंशन होता है, रिमेंबर द पास्टर्स एंड लीडर्स आर इन्वेस्टिंग इन योर लाइफ, यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव इन्वेस्टेड, कितने लोगों ने हमारे जिंदगी में कुछ ना, किसी ने दुआ करी, किसी ने वचन सुनाया, किसी ने जब हम निराश थे तो कंधे पे हाथ रख के बोला भाई चिंता मत करो मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ। याद करना आपके लिए कितने लोगों ने दुआ करी, कितने लोगों ने आपको सहायता पहुंचाई, आपने कितनों को इनकरेज किया। सी इफ यू डोंट गिव द रिटर्न टू द इन्वेस्टमेंट गॉड हैज मेड इन यू, यू आर बीइंग अनट्रस्टवर्दी, और अगर मैं रफ भाषा में कहूं तो परमेश्वर आपको चोर कहेगा। आपको खुदा ने आपके जिंदगी में पैसे दिए, धन दिया, खाना दिया, कितने लोगों को आकर के उत्साहित करने के दिया। Beloved, it is time to repay God. It is time to investment का जो return है परमेश्वर को वापस दे, और उसको करने के लिए बड़ा अच्छा है गीत गाना, मैं पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कभी अपने अंदर भी झांक के देखना, जो खुदा ने दिया मैंने उसके बदले में क्या दिया। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, काम जरा मुश्किल है पर किया कर, काम जरा मुश्किल है पर किया कर, कभी जमाने से वक्त मिले तो खुद से मिला कर। होता क्या है, हमारे पास खुद से मिलने के लिए टाइम नहीं है, जब तक खुद से नहीं मिलोगे खुदा नहीं मिलेगा तुम्हें। प्रोडिगल सन जब अपने आपे में आया तभी वो खुदा के घर वापस आया। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं सिर्फ कहता हूँ इस कन्वेंशन में आए हो विदाउट इवैल्यूएटिंग योर ओन लाइफ, इफ यू गो बैक इट्स वेस्ट ऑफ टाइम सिटिंग हियर। केवल गीत सुनो मत, गीतों के अर्थ को सुनो और अपने अंदर में झांक के देखो क्या जो कहा गया, जो गाया गया, जो सुनाया गया उसके मुताबिक मेरी जिंदगी है। और यू आर वेटिंग फॉर अनदर कन्वेंशन टू कम, किसे मालूम न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्रियो मैं प्रभु आपको बहुत आशीष दूं, कभी खुदा ने चाहा तो फिर मुलाकात।